Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel and today, this video we will cover the third and fourth week of November important current affairs of Haryana. So let's begin with this session. The first news is uh, Haryana government they have decided to launch the odd even system. फॉर द व्हीकल टू टैकल द मेनेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन सो एयर पॉल्यूशन जो है ये प्रॉब्लम हरियाणा में भी देखी जा रही है पंजाब एंड ऑब्वियसली डेली रीजन सो हरियाणा गवर्नमेंट दे हैव रिसेंटली स्टेटेड दैट एन पलवल और उसके एडजॉइनिंग जो एनसीआर रीजन है वहां पे ये सिस्टम लागू किया जाएगा राइट right? इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल चार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है जैसे गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत एंड झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेक्स्ट वीक के साथ साथ अब इसमें ये डिसीजन इसीलिए लिया गया अब देखिए ऑड इवन सिस्टम होता क्या है या ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है इसमें क्या है कि ऑट जो फिगर्स होंगे गाड़ियों के प्लेट्स के नंबर प्लेट्स के वो ऑट दिन जो है उसको चलाया जाएगा दे आर अलाउड ऑन द रोड्स ऑन द ऑड डेज ठीक है विच नंबर्स द नंबर्स विच आर एंडिंग इन द ऑड नंबर्स ठीक है आर अलाउड ऑन द रोड ऑन द ऑड डेज एंड द व्हीकल्स विद इवन नंबर्स आर अलाउड ऑन द इवन डेज राइट सो इस ये काफी एक इफेक्टिव मेथड है डेली में भी काफी ज्यादा यूज किया गया है और हरियाणा गवर्नमेंट भी इसे फॉलो कर रही है ओके सो पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज व्हीकल्स एंड अदर रीजंस आल्सो देर आर अदर रीजंस आल्सो ऑब्वियसली स्टबल बर्निंग एक बहुत मेजर रीजन है टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस मेकिंग द डेली रीजन एज अ गैस चेंबर बट आ, इस बार देखा जाए तो हरियाणा रीजन में ये जो स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम है या इंसिडेंट्स है ये काफी ज्यादा रिड्यूज हुए हैं सो so, काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है इंसेंटिवाइज किया गया है फार्मर्स को ठीक है और टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए ताकि ये इंसिडेंट जो है कम हो पाए राइट सो ऑन दी टेकन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इंजीनियर कमेटी को भी स्टेब्लिश किया गया है गुड़गांव के अंदर टू सजेस्ट द बेटर वेज टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन क्लियर हो गया सो so, हम दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं सिंपल न्यूज है एक साल का एग्जेम्पन दिया गया है इन द प्रॉपर्टी टैक्स टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट हरियाणा स्टेट के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एक साल का एग्जेपन दिया है प्रॉपर्टी टैक्स में राइट right? अब इसमें क्या है इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे दे आर बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो करोड़ विदैक्सेशन ऑफ वन ईयर ठीक है अर्लियर क्या था पहले क्या, क्या दिया गया था बेनिफिट टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल बिल्डिंग्स को ठीक है उनको ऑलरेडी ये बेनिफिट मिल रहा है एक साल से एग्जामेशन है उनको इन द प्रॉपर्टी टैक्स और अब ये चीज जो है ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी लागू हो चुकी है राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू अ मिल्का सिंह खेल मैदान सो उड़ान उड़न सिंह सरदार मिल्का सिंह खेल मैदान सो हरियाणा गवर्नमेंट दे हैव अनाउंस रिसेंटली दैट द नेम ऑफ द मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कहाँ पे बना है दैट इज इन द करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड यहाँ पे इस मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है जो कि चार एकड़ का है दैट वुड बी कॉल्ड एज उड़ान सिंह सरदार मिल्का सिंह खेल मैदान राइट हमने करनाल स्मार्ट सिटी के बारे में ये पढ़ा भी था मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा पहले न्यूज में भी पढ़ा था हमने कि वहां पे काफी ज्यादा इनोवेटिव तरीकों से वो मैदान बनाया जा रहा है और उसका अब ये जो है ये नाम रखा गया है इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ सरदार मिल्का सिंह ये जो स्टैचू uh, है दैट वुड बी इंस्टॉल एट द गेट ऑफ द स्टेडियम राइट एंड एक कम्युनिटी सेंटर भी है लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी उसके बाद एक योगा शेड भी बिल्ड uh, बिल्ड किया जाएगा इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक किसी कॉर्नर पे और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस एक हॉकी फील्ड भी बनाई जा रही है एस्ट्रोट्राफ फील्ड फॉर हॉकी भी बनाई जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ एट करोड़ रुपीज ऑन द सेवन एकर ऑफ लैंड दैट इज अवेलेबल इन कैलाश विलेज जो कि एडजेसेंट टू करनाल है राइट right? ठीक है अब नेक्स्ट uh, हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है द न्यूज इज इंडियन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर राइट इंडियन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ओके सो इट इज द फोर्टीएथ इंडियन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कहां पे हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है ठीक है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है हरियाणा के परस्पेक्टिव से कि इस बार जो हरियाणा का पवेलियन है उसकी जो थीम है दैट इज वॉट दैट इज एट दिस पर्टिकुलर फोर्टी फेयर जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हो रहा है दैट इज आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर हरियाणा सो so, ये थीम है हरियाणा पवेलियन की राइट right? इसके अंदर हम लोग और चीज़ें पढ़ लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉट यू विल बी लुकिंग फॉर कि हरियाणा एज वी ऑल नो दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन द कंट्री सो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने पवेलियन के ऊपर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑपरचुनिटीज इन एरियाज लाइक मेगा फूड पार्क फूड बे पार्क आई एम टी इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रील एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिनको डिस्प्ले किया गया विद द मैसेज ऑफ आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंडलेस ऑपरचुनिटीज राइट तो इन सेक्टर्स में प्रमोशन इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के बहुत चांसेस है ग्रोथ के बहुत चांसेस है प्रोस्पैरिटी के बहुत चांसेस है तो इन सेक्टर्स को बेसिकली हाईलाइट किया गया इसके अलावा द डिटेल्स ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर एंड बिजनेस पॉलिसी एमएसएमई की बात कर रहे हैं ये लोग Uh, इन uh, इन्होंने इनकी क्या पॉलिसी रही एमएसएमई को बूस्ट करने की उसके अलावा हरियाणा इंटरप्राइज़ेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैसी है इसके अलावा वन सेगमेंट वन प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड एविएशन हब हैव आल्सो बीन डिस्प्लेड इन दी हरियाणा पवेलियन ठीक है सो जो वॉट द पॉलिसीज दैट आर देयर टू टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर एम सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो जो पॉलिसी है उसको भी एक डिस्प्ले किया गया इस पवेलियन के ऊपर नाउ एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है दैट हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक द फैमिली आइडेंटिटी कार्ड नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैमिली आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाएंगे बनाए गए हैं ताकि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो बहुत आसानी से उन लोगों को मिल पाए राइट right? uh, जो uh, उसके लिए एलिजिबल हैं इसके अलावा सरमन प्रोग्राम ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे वॉलेंटियर सर्विसेज को बेसिकली एक्सपैंड किया जा रहा है जो लोग वॉल्टियर कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर तो वो इस प्रोग्राम के तहत हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर ठीक है इसको भी दिखाया गया हर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर इसके अलावा पावर सेक्टर की बात करें तो हरियाणा ने जैसे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन जो कि प्रॉफिट पे चल रही है प्रॉफिट पे चल रही है एंड एक जो कैंपेन इन्होंने शुरू की है या स्कीम इसको कह सकते हैं हमारा गांव जगमग गांव स्कीम सो so जहां पे आ, 24 फोर इंटू सेवन जो है पावर सप्लाई है इन द टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा जिसको दिखाया गया शोकेस किया गया और एज वी ऑल नो हरियाणा जो है एक मॉडल की तरह काम करता है फॉर दी फॉर दी स्पोर्ट्स मैन ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा मेडल्स और काफ़ी ब्रिलियंस इन्होंने शो किया है इन द स्पोर्ट्स सेक्टर सो हरियाणा ने ये भी शो केस किया दैट वी आर एक्चुअली अ हब ऑफ स्पोर्ट्स और काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है हमने uh, अपने प्लेयर्स को अभी तक पहुँचाई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी अच्छा है ये सारी चीज़ें जो है चाहे वो ओलम्पिक्स में हो पैरा ओलम्पिक्स में हो हमारे जो एथलीट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग रेरी वेल बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव इन द स्टेट राइट चलो अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हरियाणा पुलिस दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ कैंपेन या यात्रा हम लोग कहते हैं इसको डीजीपी जो हरियाणा है उन्होंने मंथ लॉन्ग साइकिल रैली जिसे हम जागृति यात्रा कहते हैं जिसे हम जागृति यात्रा कहते हैं वो शुरू की है इन ऑर्डर टू रेज द सोशल अवेयरनेस अबाउट द वमेन सेफ्टी and empowerment across the state at the police headquarters right so yahan pe specifically ek women cyclists bhi hai unko bhi introduce kiya ja raha hai is campaign mein participate karne ke liye now isme hoga kya isme yahi hai that uh, uh, initiative liya gaya hai to promote the women safety लोगों को women safety uh, promote the women safety by making people specially जो women हैं, girls हैं aware कि कौन-कौन से आपके rights हैं. और उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आ, जो वेरियस एजेंसीज है स्टेट एजेंसीज हैं उनका क्या क्या रोल है और उस रोल के बारे में उनको बताया जा रहा है ताकि वो सही टाइम पे सही एजेंसी चूज करके अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर सके सो इंक्लूडिंग द पुलिस हो गई इन प्रोटेक्टिंग द वुमेन राइट सो जागृति रैली विल कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा एंड देल बी दे विल ऑल्सो बी एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द दिल ऑफ दिस रैली अंडरस्टैंड चलिए Uh, इसके अलावा मैंने आपको जैसे बोला कि एक टीम ऑल्सो पार्टिसिपेट कर रही है अ टीम ऑफ वुमेन पुलिस साइकिलिस्ट ऑल्सो दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली ठीक है सो so, इसमें क्या होगा कॉलेज गर्ल्स स्कूल गर्ल्स को अवेयर किया जाएगा उनको क्राइम प्रिवेंशन टिप्स दी जाएंगी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट सेंसिटाइज किया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और रोल्स ऑफ वेरियस एजेंसीज़ उसके बारे में भी आ, उन उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बताया जाएगा राइट right? सो so, इस कैंपेन का स्लोगन है जागरूक नारी शक्ति हमारी ठीक है इट्स अ वेरी गुड स्लोगन बहुत अच्छा लग है स्लोगन की जागरूक नारी शक्ति हमारी ऑफ जागृति रैली जो पुलिस हरियाणा पुलिस ने एम किया है टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स सपोर्ट िटीज आर अवेलेबल इन द स्टेट तो वो सपोर्ट फैसिलिटी उनको पता हो और वो अवेयर हो इन फेसिलिटीज के बारे में सो दिस रैली हैज बीन ऑर्गेनाइज ठीक है नाउ नेक्स्ट इज़ झज्जर में एक काफी बड़ा म्यूजियम जो है इन द नेम ऑफ स्वामी ओमानंद सरस्वती ये बनाया जा रहा है ठीक है एक्चुअली सो so, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो स्वामी ओमानंद सरस्वती ठीक है सो हरियाणा गवर्नमेंट ने हैज अप्रूव्ड हैज गिवन द अप्रूवल फॉर द प्रपोजल ऑफ गिविंग लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज म्यूजियम इन द नेम ऑफ स्वामी ओमानंद सरस्वती इन झज्जर राइट चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या चीजें हैं देखिए ऑलरेडी uh, यहां पे म्यूजियम है ठीक है सो इस इसका नाम क्या है इट इज गुरुकुल झज्जर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ठीक है और इनफैक्ट इट इज द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हरियाणा ये पर्टिकुलर म्यूजियम जो है इट इज द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हरियाणा कंट्री तो वो एंटिक्स कलेक्ट करके आए उन्होंने अल्टीमेटली uh, ये सारे जो म्यूजियम uh, के अंदर चीजें रखी हैं वो ओमन एंड सरस्वती इनके द्वारा लाए गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंडिया uh, से ये लेकर आए और यहाँ पे रखी हुई हैं केम इन टू एक्सिस्टेंस इन नाइन सो लगभग दो लाख ऑब्जेक्ट्स जो हैं आर्कोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के वो स्वामी ओमन एंड सरस्वती जो ने प्रिजर्व करके रखे थे वो सारी इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई हैं डिस्प्ले करके रखी हुई हैं राइट right, अब बात ऐसी है कि ये जो प्रेजेंट म्यूजियम है इसमें बहुत यूनिकनेस चीजें हैं मैचलेस कलेक्शन है किसका टेराकोटा कोटा क्लब एंड रेयर क्वाइंस का इसीलिए गवर्नमेंट मतलब हरियाणा गवर्नमेंट दे हैव डिसाइडेड दैट टू प्रिजर्व दिस नेशनल हेरिटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन हम क्या कर रहे हैं हम लोग एक नया म्यूजियम बना रहे हैं टू डि डिस्प्ले दिस यूनिक हेरिटेज राइट तो इतना आप याद रखिएगा ओके नाउ द न्यूज इज इंडियन साइन लैंग्वेज टेक्स बुक जो रिलीज हुई है पहली बार कंट्री में और हरियाणा गवर्नमेंट ने यह रिलीज की है सो हरियाणा गवर्नमेंट रिलीज द इंडियन साइन लैंग्वेज टेक्सट बुक्स अप टू द क्लास फिफ्थ प्रिपेयर सो क्लास फिफ्थ तक ये प्रिपेयर की गई है ठीक है रिलीज की है प्रपेयर फॉर द डिफरेंटली एबल्ड जो स्पेशली एबल्ड जो स्पेशली जो स्पेशल किड्स होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए ये फिफ्थ क्लास तक का इंडियन साइन लैंग्वेज टेक्सट बुक्स जो है वो बनाया गया है बाय होम बाई हेरिंग एंड स्पीच डिस ऑन चिल्ड्रे वाले दिन, इसको लॉन्च किया गया अब ये, जो है, ये पहली बार कंट्री में इस तरीके से चीज लॉन्च हो रही है ओके की पॉइंट क्या है याद थोड़ा सा देख लेते हैं ये बुक्स किसके लिए प्रिपेयर हो रही है डेफ एंड डफ चिल्ड्रं के लिए डेफ एंड डम चिल्ड्रेन के लिए अपू द एज ऑफ सिक्स ईयर्स एंड फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों को टेक्स्ट बुक अवेल होंगी जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं ठीक so, है सो डेफिनेटली जो डिसेबल हैं स्पीच के अंदर उनको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे ठीक है uh, हरियाणा स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है ऐसी उनको तो हेल्प होगा ही होगा बट इंटायर कंट्री की पॉपुलेशन को हेल्प होगा राइट अगर हम लोग पूरे कंट्री की बात करें तो लगभग 50 लाख बच्चे जो हैं इस डिसेबिलिटी का शिकार हैं और हरियाणा की बात करें तो डेढ़ लाख बच्चा जो है वो इस डिसेबिलिटी का शिकार है राइट तो इसमें क्या होगा इसमें साइन लैंग्वेज तो होगी टेक्स्ट बुक में बट साथ ही साथ डिजिटल साइन लैंग्वेजेस लैब भी होगी जो सेटअप की गई होगी इन इंदेर वेलनेस सेंटर के अंदर जहां पे 600 से ज्यादा वीडियोस जो होंगी वो होंगी फॉर द हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज विच वर यूज ड्यूरिंग द कोविड राइट तो इतना आप याद रखिएगा उसके अलावा ट सो so, आज की क्लास में हमने कवर कर दिया है नेक्स्ट क्लास में वील बी ब्रिंगिंग समथिंग मोर एज फार एज द हरियाणा करंट अफेयर्स आर कंसर्न थैंक यू